दिमाग खराब हो गया कि अरे यार ऐसा कैसे मार बार इसको, कि अभी इसने जो मुझे धमकी दी है। हेलो गाइस, ये है रजत वर्सेस से सुपर सिंह का पार्ट टू, और जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो भाई पिछली वीडियो में सुपर सिंह ने बोला था कि आप रजत लाल की आईडी में जाके उसको टैग करो और बोलो कि भाई जो उसने जो डेडलिफ्ट की जो वीडियो डाली थी उसकी फॉर्म गलत है, और भाई उसके ऊपर जो है सुपर सिंह ने एक्सपोज भी किया है रजत लाल। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसमें कि क्या है। और भाई जिसको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, भाई रजत लाल की जो है सुपर सिंह के साथ बात हुई थी, और रजत लाल ने जो है इसको शरेआम धमकी दी थी कि मैं तुझे पता नहीं तेरे घर पे आ जाऊंगा और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। उसी के जवाब में भाई इसने जो है वीडियो बनाई है और रजत लाल को बोला है कि भाई अगर तेरे में हिम्मत है तो भाई आ जा, फिर 1-to-1 हो जाए। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, तो भाई आपको पूरा समझ लग जाएगा। आज अगर उसने समझो कि अरे सीधा लाइव आकर वो लड़के बच्चे को मार रहा है, तो आप लोग आवाज तो उठा, कोई ना कोई तो बोलो कि हाँ भाई यार उस बच्चे को मार क्यों रहे तुम। अगर मार रहा है, अगर कुछ भी गलती की, यार मारने का हक किसने दे दिया? ना उसने तेरे को गाली दी, ना तेरे को उसने मारा, ना तेरे को कुछ बुरा भला कुछ नहीं बोला। तूने उसको बुला लिया कि हाँ भाई यहाँ पे आ जा, तेरे को देखना है, तो उसको बुला के लाइव भी आ गया, उसकी गलतियां भी चल तूने मान ली। जो भी है वो अगला तेरी हाँ पे हाँ, हाँ पे हाँ, हाँ पे हाँ बोल रहा है, और तू उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है, गाली पे गाली दे रहा है। ये बात जरूर आप लोग उठाना, ऐसे चुप करके मत बैठना, क्योंकि ऐसे बंदे को अगर आप हम सब अगर शह दे देंगे ना, तो ये आगे और बढ़ेगा। ऐसे बंदे को जरूर दबाना चाहिए कि हाँ भाई नहीं, तू ये सब चीजें नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो अभी जिसको पहले धमकी दी थी वो पहले पूरी अभी कर कंप्लीट। स्क्रिप्टेड चीज है, क्या बोले हम। सौरव के साथ में भाई जो लड़ाई थी वो स्क्रिप्टेड थी, बट पाजी आप हमें राइट केस आ कर दो। अरे पाजी आप हमें ह्यूमन राइट केस आ कर दो। भाई जरूर कर सकते हैं, बट उसको जरूर पूछना कि आप लोग ही हो। अभी अभी जितने बंदे यहाँ पे, अगर वहां पे जाके कमेंट कर दोगे ना कि भाई एक तो वो बच्चे को मार के गलत कर रहा है, और दूसरा उसको बोल कि हम भी पंगा लेना था, तो हम भी सुपर सिंह के साथ में पंगा लेना था ना, उसके साथ में क्यों नहीं लिया। सब चुपचाप बैठे हैं सारे इन्फ्लुएंसर। यस भाई मैं वो ही बोल रहा हूँ, जो इसका फॉर्म गलत था उसके ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई। वो क्यों नहीं बनाई? सब लोग डरते कि अरे कि इससे हम लोग पंगा लेके क्या करें, क्योंकि एक तो गाली के बिना वो बात नहीं करता है, राइट, और ऊपर से वो सीधा चढ़ जाएगा कि अभी तुम लोगों ने मुझे गलत कैसे बोल दिया। वो ऐसे मतलब कहते हैं ना कि एक बचकांडा बच्चा रहता है ना, कि जिसको बोलेंगे अगर तेरी गलती है, नहीं 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 मम्मी मम्मी मेरी गलती बोल रही है, तो वो है कि उसकी गलती नहीं बताओ, उसकी अगर हम लोग तारीफ कर दोगे ना आप लोग, तो बोलेगा हाँ 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 नहीं सही है, मेरी मेरी तारीफ कर रहे हो, तुम लोग मेरे साथ में हो। आप लोग अगर उसकी बुराई करनी स्टार्ट कर दोगे तो वो चालू हो जाएगा कि हाँ भाई मेरी बुराई कर दी है, तुम लोग मेरे साथ में नहीं, तुम लोग मेरे दुश्मन हो। अरे इतने इन्फ्लुएंसर है, कोई तो एक बार आवाज उठाओ कि हाँ भाई तू क्या किसी हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ में झगड़ा कर रहा है। अभी वो बच्चे को मारा तूने, क्यों मारा? अगर मैंने भी वीडियो बनाई तो वीडियो 1 मिलियन तक ऊपर पहुंच गई थी, और वहां पे भी सब लोग इसको पता चल गया इसकी बुराई होनी चालू हो गई है, तो इसने क्या किया भाई, जब मेरे पता कि इसने ब्लॉक ब्लू करके स्टार्ट कर दिया कि वो वीडियो डिलीट हो जाए, मेरी प्रोफाइल से भी वीडियो डिलीट हो गई, तो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ इसने। हमें भी पता नहीं लाइव हो या बंद हो, उसकी आईडी में आप देख सकते हैं, राइट भाई, ना मर्द ही है वो। अगर मर्द रहता तो अरे तू देखना सामने वाला, यार एक पसली बंदा यार, नॉर्मल एक पतला सा बच्चा है, और उसको ले धनाधन थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे, वो भी लाइव आकर, और सब लोग उसमें से कई थे जो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, वाह वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई आप मार रहे हो उसको। अरे यार आज उसको मारा तो कल आप में से भी कोई हो सकता है, कोई गलती तो करो उसके सामने तो आपको भी मारेगा, इसमें क्या है। बट अगर कोई ऐसा बंदा रहेगा ना कि जिसको इसको पता चल गया कि नहीं यार ये बंदा सामने वाला थोड़ा है बिल्डर या अगला जिगरे वाला है, तो मतलब ये कहीं हाथ भी उठा जाए, ऊंची आवाज या मुंह से इसके गाली भी निकल जाए, जो हर बात पे ये गाली निकालता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा अगर सामने वाला तगड़ा बंदा रहा तो। और ये वहां पे जाता भी नहीं है जहां पे, जब तक इसके साथ में 4 बंदे ना हो, इसको पता है कि हाँ भी अगर कल अगर मैटर हो गया तो अगले पकड़ के धोएंगे बहुत इसको। फिर आप लोग ये सब ना आप लोग के ऊपर है, अगर मैं भी आप बैठा हूं ना यहाँ पे इंस्टाग्राम पे,
सब एक फैमिली लेकर, अगर मैं गलत करता हूँ आप लोग अगर मुझे ऊपर लेके गए ना तो मुझे नीचे लाने में एक सेकंड नहीं लगाने वाले आप लोग सब, अगर आप लोग एकजुट हो गए तो। और ये पावर आप लोग को समझनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं अकेला क्या करूं, आप लोग अकेले नहीं हो, आप जितने लाइव में है ना आप सब एकजुट हो। अगर मैं इस टाइम पे कोई भी ऐसा एक गलत वर्ड बोल दूंगा ना तो आप लोग यहीं पे मेरे को एकदम नेरियां लगा दोगे मेरियां, मुझे पता है। बट वही पावर चाहिए कि वहां पे भी अगर कहीं आप जाते हो अगर उसकी प्रोफाइल में भी जाओगे और लड़के को मार रहे ना तो आप ये मत सोचना कि पहले कि हाँ भी उसने गलत क्या किया क्या नहीं किया। आप ये सोचो कि अरे यार वो बच्चे को क्यों मार रहा, अपना यार सांड जितना वो है राइट, और वो बच्चे को मार रहा है, यहां तो सामने वाला भी बंदा रहता ना सांड जितना तो फिर मैं बोलता कि हाँ भाई ये सामने वाला भी था बट इसने थप्पड़ जड़ दिया, हाँ दलेरी है इसमें। नहीं दलेरी नहीं है, सामने वाला बच्चा वो उसकी हर हाँ में हाँ एकदम बेचारा एकदम ना, आप वीडियो में देख लेना आपको पता चल जाएगा, हाँ यार उसकी तो हाँ में हाँ मिला रहा है वो कि हाँ मैंने ये गलत किया मैंने ये किया मैंने ये किया, हर हाँ में बुला रहा फिर भी उसको थप्पड़ जड़ दिया इसने। अगर उसने गलत किया तो उसको पुलिस स्टेशन लेके चले जाना भाई, इसमें क्या है, क्या पुलिस स्टेशन था नहीं उसमें आसपास में, ये वो एक घंटे की ड्राइव करके वहां पे लेके गया मारने के लिए उसको कि हाँ भाई मैं वहां पे लाइव आऊंगा। अगर इतना ये देशभक्त बना था या कुछ सही काम कर रहा था तो नॉर्मल जाता वहां पे बात करता उसका मैटर सॉल्व करता जो भी था, लाइव ना आता ना मारता उसको। बट नहीं, इसको चाहिए था कि हाँ भाई मैं मार रहा हूं उसको, मैं गाली दे रहा हूं मुझे लोग देखें, बस इसको वो चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। बच्चे को नहीं मारना चाहिए। यस कभी भाई वही मैं बोल रहा हूँ, जब वीडियो मेरे को उन्होंने सेंड की ना बोलते ये देखो कि हम भी लाइव पे किसी को मार रहा है तो मेरे को स्क्रीनशॉट करके उन्होंने भेजा, तो एक खून खौलता है यार कि अपना इंडियन है वो, हाँ ये तो था नहीं कोई अदर कंट्री का था जो दुश्मन था या कुछ था, एक तो बच्चे को मार रहा है पहली बात तो, अगर मारना था तो एक अरे सामने वाला बंदा, मैंने मेरे को धमकी दी ना उसने तो मैं वो ही चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा दलेर है तो आप मुझे करके तो बताए, मैं भी देखूं कि हाँ यार ये इसमें तो दलेरी बहुत है, ये तो हर एक को मारता है, हाँ भी मेरे को भी मारा है इसने, बट मैं जिस दिन ये मेरे वहां पे पहुंच के अगर इसने कुछ कर दिया ना मैं सही में बोलता हूँ यहाँ पे आकर मैं खुद उसकी तारीफ करूंगा कि मैं बोलूंगा कि नहीं बंदा ये बहुत कैंट है, बहुत एक नंबर बंदा है। एंड ही डिलीटेड द वीडियो नाउ, पता नहीं मे बी कर दी होगी क्योंकि किसी ना किसी ने बोल दिया होगा अबे तू लाइव आके उस बंदे को मार रहा है तो तेरे को सीरो सीधे केस कर सकते हैं, तेरे ऊपर हैरेसमेंट का भी कर सकते हैं, मारने का कर सकते हैं कि हाँ भाई लाइव आके इतने जानो। अगर मानो यार अगर वो बंदे जिस बंदे को मारा है इसने अगर उसके अंदर थोड़ी अनख रहेगी, ऐसा कुछ रब ना करे कि उसके माइंड में कुछ ऐसी बात आ जाए कि इतने लोगों के सामने इसने मुझे थप्पड़ मारा इतनी गालियां दिए तो नहीं मेरे जीने का कोई हक नहीं है। अगर बाई चांस सोचो कि उसके माइंड में ऐसी कोई चीज आ गई कि हाँ भी बेइज्जती महसूस की इंसल्ट महसूस की तो समझो कि वो कुछ भी कर सकता है बच्चा राइट, तो फिर ये क्या करेगा, वो चीजें सब सोचनी पड़ती है। अरे यार तू लाइव आके किसी भी बंदे की अगर मैं समझो कि एक रूम में बैठा हूं ना अगर मैं उसकी बेइज्जती कर दूंगा ना उसको इतना फील नहीं होगा, बट अगर 10 जानों के सामने उसकी इंसल्ट करूंगा ना मैं तो अगला ना वो बात सोचता रहेगा कि नहीं, वो 10 जनों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा कभी भी आमने सामने आए अगर वो लोग आ गए तो, उसको अंदर से वो ना इंसल्ट फील होती रहती है। और ये लाइव आकर इतने लोगों के हजारों लोगों के सामने आकर मार रहा है। गोरा फैजल सत श्री अकाल वीरे, सो आप लोग आवाज उठाओ क्योंकि मुझे तो ब्लॉक किया है, मैं कल एक बार ये लाइव सेशन भी मैं सेव कर दूंगा और कल आकर फिर मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा इसके ऊपर कि इसने वो लड़के को मारा तो मारा क्यों। अगर कुछ भी इसने 50 के लोग उसके लाइव में थे उस टाइम पे, सोचो उसके 50,000 लोगों के सामने उसको थप्पड़ मार रहा है और गाली पे गाली दे रहा है, ऐसी एक दो गाली नहीं बार बार जो उसके मुंह से मैं देना नहीं चाहता हूं यहाँ पे, बट गाली पे गाली दे रहा है वो सीरियसली। अगर कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा कुछ बच्चा यार कुछ कर ले, क्योंकि वो एज है ना, वो एज में हम लोग किसी को कुछ नहीं बोल सकते, उसको एक इंसल्ट अगर महसूस हो गई कि अरे मेरे को यार इतने लोगों के सामने उसने मारा है या उसके चाहने वाले उसके फ्रेंड सर्कल जितने उसको देख रहे होंगे अगर बाई चांस उसके लाइव में आ गए होंगे,
तो वो लाइव में क्या आगा, उसको मैसेज करेंगे, अरे भाई क्या हुआ तेरे को, उसने मारा तेरे को, गाली दी, ये वो। जब एक मैसेज, दो मैसेज, तीन मैसेज, हजार मैसेज उसको आने लगे तो सोचो वो बंदा क्या करेगा। इसने तो अपने बता दिया मैं बहुत दलेर हूं, मैं उसके घर तक गया, मैंने उसको उठाया, मैंने उसको मारा, उसके मुंह से सच उगलाया। सच उगलाया कि वो तो सारा सच बोल रहा था बेचारा भाई। सब ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करो, बट उसकी एक्चुअली प्रोफाइल में ही पुलिस वालों को टैग कर दो, फिर उसको एक एक बार ना इसको थोड़ा सा ऐसा झटका देना जरूरी है इस बंदे को, क्योंकि ये मेरे साथ तो कुछ कर नहीं सकता है। बट आप लोग में पावर बहुत है, अगर कोई पुलिस वाले को आप जानते हो ना, तो सिर्फ उसकी प्रोफाइल में जाके उसको टैग करना स्टार्ट कर दो। जब वो लोग देखेंगे हाँ भाई इसे ये ऐसा ऐसा किसी को मार रहा है, मे बी उसमें से कोई एक पुलिस वाला ऐसा बंदा होगा कि नहीं यार इसको पकड़ो, इसने मारा क्यों उसको। और वो लड़का भी अगर कुछ कर लिए तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलने वाला। लेकिन पाजी जब विच फ्रॉड से पैसा मांग रहा था तब उसकी इंसल्ट नहीं, अरे भाई मान लिया आर्या लिप्स, माना यार लड़के की कुछ भी गलती हो, मैं हमेशा अगर मेरे से कोई फ्रॉड करे ना, मैं पता क्या सोचूंगा, मैं पता क्या हमेशा मोस्टली सोचता हूँ, या मेरा पैसा कहीं गिर जाए या कहीं लॉस हो जाए, मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरी किस्मत में था नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी जहां जहां अगर मैं मतलब कहीं मेरे पास बहुत वीडियो आती हैं कि भाई इसकी हेल्प करनी है, भाई ये ऐसा ऐसा हो चुका है, गोफंड पेज बने रहते हैं, वहां पे पैसे देने रहते हैं, कोई समटाइम वैसे ही कोई आ जाता है, तो अगर मैं हर बार सोचूं कि हाँ भाई उस बंदे ने मतलब फ्रॉड तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, मैं हमेशा पता क्या सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, उसको जरूरत है, ये मेरे पास आया है, भगवान ने मुझे दिया है, मैंने दे दिया, कोई बात नहीं। सिर्फ इतनी सी बात सोच रही, जब हमने अगर उसको बंदे को कुछ दे दिया ना, तो भगवान ने अपने आप अपनी झोलियां एक्स्ट्रा भर देनी है। बट रब ना करे कि हमने अगर पैसा नहीं दिया, बट उस बंदे को एक्चुअल जरूरत थी, बट हमने क्या सोचा कि नहीं बंदा फ्रॉड है, हमने नहीं ये दान नहीं करना, हमने चैरिटी नहीं करनी। अरे हमने तो ये सोच लिया सामने वाला बंदा फ्रॉड है, हमने चैरिटी नहीं करनी, बट क्या पता उस बंदे को एक्चुअल जरूरत थी। तो इसलिए अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा, अगर कोई भी फरिश्ता आ गया ना कोई मांगने वाला, दे दो। ये मत सोचो कि आपकी जेब में 10 रुपया है, 10 में से हम लोग 2 दे देंगे तो 8 ही बच जाएंगे। आप 2 दे दो उसको, अगर आपने देने, वो जो 8 है ना, वो 8 से कब 80 बन जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। सिंपल सा ये लॉजिक जब लेके चलने स्टार्ट करोगे ना आप लोग, की हर एक की हेल्प भी करते रहोगे तो भगवान आपकी हेल्प करता रहेगा। सिर्फ ये एक बात सोच के हर एक की हेल्प करो बस। और वो क्या बोल रहा था कि लाइव में एक वीडियो आई मेरे पास कि हाँ भाई तू मेरे को पैसा डाल, जितना तेरे पास पैसा बचा ना मेरे को डाल। अरे भाई तेरे को क्यों पैसा डाले भाई, जिन जिन्होंने अगर सेवा की थी अगर उनको पैसा रिटर्न चल जाए तो बात अलग है, या उससे पैसा उसको ही बोले कि हाँ भाई नहीं जिसको जरूरत है उनको डालेंगे। यहां तो ये पूछ लो कि हाँ भाई तूने ये किया है ना क्यों किया, कोई मजबूरी थी क्या, घर में कम था, या जैसे फीस भरनी थी, या घर पे पैसे नहीं थे तेरे पास, क्या था, नहीं मतलब क्या घर पे जरूरत थी, मम्मी पापा क्या था। क्योंकि मुझे पता है आजकल जिसको जॉब नहीं है ना उसको पता है कि यार अगर उसके घर में पैसा नहीं है उसको पता है कितनी तकलीफ होती है, वो बंदा पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, क्या पता नहीं क्या सोच रहा है यार, कि मे भी शायद उसके मन में ख्याल आया हो कि अभी मैं सुसाइड कर लेता हूं, बट उसने ये फ्रॉड करना स्टार्ट किया, उसके पास पैसे आ गए, चलो उसकी जान बच गई। हम लोग ये सोच लेते, उसके मन में कुछ नहीं है, बट हम लोग एक थिंकिंग ऐसी कर लेते कि चलो चलो कोई बात नहीं यार, 2-4 हजार चले गए तो कोई बात नहीं। बट हमारा हिंदुस्तान का एक बच्चा तो बचा ना यार, और ये सामने लाइव में आकर ले थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है। वीडियो डिलीट कर दी जिसमें मारा था, राइट, वो करेगा ही करेगा ना, वीडियो डिलीट की करेगा ही वो तो, बट गलत है जो मारना थप्पड़, गलत था, सीधी बात है भाई। वो आप लोग है, आप लोग सब में पावर है, सिर्फ उसको शह मत दो कि हाँ भाई नहीं कोई बात नहीं उस बंदे ने फ्रॉड किया, आपने उसको मजा चका दिया। अरे यार सीरियसली एक बार तो बोलो कि हाँ भाई उसने गलत किया था भाई, उसकी मजबूरी वो भी सुनो क्या मजबूरी थी, प्लस उसको बोलो कि चल यार जो हो गया हो गया, जो पैसा है अगर तेरे को क्या जरूरत है वो बता दे, नहीं जरूरत तो हम किसी ना किसी दूसरे बंदे की हेल्प कर सकते हैं।
अरे बहुत रीजन है, बहुत हल है, बैठ के जब बात करते हैं ना सियाने तो बहुत हल निकल आते हैं। हर एक मुश्किल का ऐसा नहीं है कि एक ही हल है, बहुत हल है, वो हमने देखना है कि कैसे निकालना है। ये थोड़ी है कि थप्पड़ मारने, आप बता दो कि कौन ऐसा है जो बोले कि हाँ भी मारने से ही हल होगा, मारने से कोई भी हल नहीं होगा, बात और बिगड़ती है, बट हल नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजों से निकल के आया हूं मैं भी, और आप लोग भी, मैं भी बहुत होंगे जो बहुत पहले बहुत झगड़े विगड़े किए, बट एक एज आ जाती है तब ये सब चीजें समझने स्टार्ट कर दे। हनुमान चालीसा राइट, उससे सुन रहा था राइट, अगर उसने जितना भी बोला उसने गलतियां निकाली, चलो ठीक है यार, तू हनुमान चालीसा उससे नहीं आता था या उसके ऊपर भी तू उसे गालियां देगा, गलत था, जो गलत है भाई मैं जरूर बोलूंगा, बट मैं यही बोलना चाहता था कि अब उस बच्चे को मार रहा है तो मेरे पास भी आना, मेरे को भी तो धमकी दी थी ना, और धमकी भी क्या थी कि तू कहना, वो ऑडियो जरूर फिर भी सुन लेना, अभी तक मेरी प्रोफाइल में है वो, कि लास्ट में क्या बोला था उसने, पहले तो बोल रहा था कि हाँ भाई तेरे को मैं समझा दूंगा, या समझ जा या तो दूसरी तरह से समझा दूंगा, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई मुझे नहीं समझा रहा, आप दूसरी तरह से ही समझा देना, कोई बात नहीं मैं समझने के लिए रेडी हूं। फिर एंड पे बोलता कि मैं तेरे तक नहीं पहुंचूंगा, आ नहीं सकता, बट जो तेरे प्यारे हैं ना मैं वहां तक पहुंचूंगा, तुझे कोई चीज तो प्यारी होगी ना, मैं वहां तक पहुंचूंगा, इसने ये चीज बोली थी। अगर मैं यहां पे भी बैठा बैठा चाहूं ना, मैं यहां पे बैठा बैठा उसके ऊपर बहुत तगड़ा केस कर सकता हूं, क्योंकि जो हम लोग अदर कंट्री में बैठे हैं ना, तो इमिग्रेंट्स हम लोग अगर बोल दें कि इस बंदे ने हमें वहां पे धमकी दी है, तो यहां से जो केस होगा ना वो वहां से छूटेगा नहीं जल्दी, क्योंकि जमानत तो हो जाएगी हर एक से हो जाएगी, बट वो छूटेगा नहीं जल्दी, बट वो चीजें मैं करना ही नहीं चाहता हूं यार, इतनी बड़ा कुछ है नहीं बवाल, बस मैं यही बोलना चाहता था कि जो उसने धमकी दी है ना, उसने कोई अभी उसके बाद में मुझे मैसेज किया ना, कुछ धमकी के लिए कुछ उसने मोड़ लिया, कुछ ना कुछ तो करे ना, मैं भी देख लूं, तो मैं भी देखूं कि हाँ यार बंदे में गट्स थे यार, उसने जो बोला वो किया भी, करेगा नहीं वो, ऐसा ही है कि हम भी जो उसको आने वाले टाइम पे देखना, और वो ऐसे मारने वाली वीडियो, गाली देने वाली वीडियो और डालेगा, क्योंकि पब्लिक वो ही देखना चाहती है, उसमें पब्लिक को ये वो नहीं चाहिए कि हम ये फिटनेस का इन्फ्लुएंसर है इससे कुछ हम लोग सीखें, पब्लिक को ये चाहिए कि ये नेक्स्ट बवाल क्या कर रहा है, बस। एक बोल रहा भाई तू उस बंदे से जलता है, अरे सीरियसली मैं जलता नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि अभी जो उसने धमकी दी थी वो बस पूरी कर ले, बस बात खत्म, और जो लड़के को उसने मारा है वो किस अधिकार से उसने वो लड़के को मारा, कार में रखकर, कार में बुलाकर, उसको पहले घर से बुलाया, कार में बिठाया, थप्पड़ मार रहा है, गाली दे रहा है, जबकि वो लड़का ना उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, मैंने ये किया मैंने ये किया, फोन तक पकड़ा दिया, ये भाई फोन पकड़ ले, जो जो पैसा आया देख ले कहाँ कहाँ से पैसा आया, सब कुछ तो दे दिया उसने, फिर भी उसको मार रहा है, तो अभी भी मैं जलूंगा। अरे आप लोग उठो कि आप लोग उसके ऊपर वीडियो बना दो, भाई तूने उस लड़के को क्यों मारा, जबकि वो लड़का तो यार बच्चा था राइट, उसने गलती है, हमने अगर आप एक एज से निकल चुके हो ना, आपने भी उस एज में बहुत गलतियां की, इवन अगर मैं अपनी गलतियां सुनाने चाहूं, आप लोग बोले हाँ भाई आपने भी बहुत गलतियां की हैं, अरे बट उस टाइम पे हमें समझाने वाले हमारे सिर्फ घर वाले होते हैं, घर वालों की बात कोई नहीं सुनता, बट उसको तो समझाने वाले आप हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आया हुआ है, तो सोशल मीडिया पे आया सब आप उसकी ऑडियंस हो राइट, तो उसको बोलना स्टार्ट करो, जब उसको पता चलेगा अभी ये वो गलत कर रहा है, गलत, आप सब लोग बोलोगे ना गलत कर रहा है गलत कर रहा है, आगे वाली आने वाली वीडियो रहेंगी ना उसकी जो बहुत प्यारी रहेंगी, ना उसे गाली देगा वो, ना किसी ऐसा किसी के ऊपर हाथ उठाएगा, ना किसी को या किसी और को गाली देनी स्टार्ट करेगा वो, नहीं करेगा, ये आप चेंज कर सकते हो, मैं तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश करूंगा मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप अजी, थैंक यू कभी भाई, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे आप लोग बोलो कि हाँ भाई आप गलत हो भाई, उस घंटा पास बहुत ज्यादा ईगो है थिंकिंग, यस भाई ईगो तो उसमें है, बट वो ईगो मेरे में नहीं दिखी ना, मेरे सामने नहीं दिखी, मेरे को उसने स्टार्ट तो की, उसने एक बार देख लिया वीडियो, इसने अपलोड किया, उसने डायरेक्टली मेरे को कॉल कर दिया, मैसेज कर दिए, बट उस पे भी आ जाना चाहिए था उसको कि चलो मैंने धमकी दी अभी पूरी करूंगा। उसने क्या किया, जब उसने मेरे बारे में इंक्वायरी लेनी स्टार्ट की, जिनसे इंक्वायरी ले रहा था उन्होंने बोल दिया भाई पंगा मत ले, ये कनाडा में बैठा है,
बट इससे पंगा मतलब ये सब काम यहां से करके ही गया हुआ है वहां पे। तो फिर ये शांत बैठ गया, अभी शांत तो बैठा है बैठा, पर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हर एक तरफ से ब्लॉक कर दिया ना, कि ये बंदा मेरी तरफ मतलब मेरी प्रोफाइल तक पहुंच ही ना सके। अरे मुझे क्या करना है यार, मैंने तो सिर्फ ये करना था, जो धमकी थी वो तो पूरी कर देता। और आज वीडियो सामने फिर दूसरी आ गई इसकी, मेरे को जब लड़कों ने भेज दी, वो बच्चे को कार में मार रहा था और गुस्सा आया। अरे यार सीरियसली, वहां पे बाहर लेकर भी मार रहा था बट पब्लिक वहां पे भी रहेगी, किसी ने कुछ नहीं बोला उसको। अरे चाहिए आप लोगों की आवाज है ना, जो अगर आप जितने 70 जाने देख रहे हो, अगर 70 जाने एक एक वीडियो डाल दोगे हाँ भाई ये गलत की है, सिर्फ उसकी ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना सिर्फ लिख दो, किसी को मेरे को पता कि बोलने को नहीं होता है कैमरा में, सिर्फ उसकी वीडियो लेके भी डाल दोगे और उसको टैग कर दो कि गलत किया भाई इसको मार के बच्चे को, जो भी अगर करना था अगर इसने गलत किया तो पुलिस स्टेशन में लेके चले जाते, बात खत्म हो जाती। तो उसको पता चलेगा हाँ यार ये बहुत लोग है जो मुझे वीडियो डाल के टैग कर रहे हैं और मेरे को बोल रहे कि मैंने गलत किया, मैंने एक्चुअली उसने गलत किया। आई एम ऑल्सो फ्रॉम फरीदाबाद एंड नो ही इज ट्रू विद द गेम भाई, प्लीज उसकी स्ट्रीम में जाके आप सॉरी मत बोलना वरना बाकी सब बोलते हैं। भाई मैं तो बोल रहा हूं उसको कि मेरे से सॉरी बुला के बता, मैं वो चाहता हूं कि मैं भी देखूं कि इतना बड़ा बदमाश कौन है भाई जो मतलब मेरे से भी सॉरी बुला ले। मैं अपनी बहुत बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, जो मैंने अभी तक किया है ना, मैं आप सबको कुछ नहीं, मैं मेरा जो फेस है ना आपके सामने वही रखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा कि मैंने आज तक ये किया, झंडे काटे, इसको मारा, कुछ नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं, मैं नॉर्मल बनता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हाँ भाई उसने जो मुझे धमकी दी ना वो पूरी करके बताए, क्योंकि हर एक को पता क्या लगता है कि हम भी लास्ट में जाके हर कोई इसको सॉरी बोलता, तो मैं चाहता हूं ना, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये क्या करता कि जब मैं सॉरी बोलूं इसको, एक बार मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे बैठे बैठे अगर मैं स्टैंड अपना लेना स्टार्ट करूं ना अभी कि मैं पहले करूंगा, मैं पहले जो भी करना है मैं करूंगा, तो ये बहुत जल्दी सॉरी बोल देगा। बट मैं उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं उस लेवल से निकला हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये क्या करता है मेरे से सॉरी बुलाने के लिए, बस मैं ये देखना चाहता हूं। ये कहता था ना कि मैं तेरे घर वालों तक पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच के तो बता। उसकी वीडियो में सिर्फ उस मेरा एक नाम मेरी आईडी टैग कर दिया करो और उसको बोल कि हाँ भाई इसको भी देख ले, कार में एक बच्चे को डाल के तो तूने बहुत थप्पड़ वगैरह मार दिए, तो गाली बहुत दे ली, कि मुझे लाइव में आके एक बार गाली भी दे के बता दे, मैं देखूं फिर इसको। एंड एक नकुल धूल भी है। हाँ भाई मेरे पास भी ना 2-3 नाम आए थे और इवन प्रिंस नरूला का भी नाम आया था कि इसने उसको गाली देनी स्टार्ट की थी बट उसने आगे से भाव नहीं दिया तो ये चुप बैठ गया था। पाजी कर्मा कर दो उसके साथ, कर्मा तो भाई जरूर होगा, भगवान अपने आप करेगा कुछ ना कुछ तो। बट मेन वही है ना कि ये सामने तो आया अभी, कि अगर पंगा लेने का इसको इतना ही शौक है। पाजी एक पंजाबी डायलॉग पता पता कि यार पंजाबी में अगर डायलॉग बोलूंगा ना सबसे पहले गाली निकलेगी, तो वो नहीं मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर पंजाबी में हम लोगों ने कुछ बोलना है ना तो फिर पूरा अंदरों ये अंदर से आवाज ही आएगी, तो वो छोड़ो उसको अभी मैं क्या बोलूं, ना मेरे मुंह से कभी लाइव में या कोई वीडियो में ना गाली सुने आपको सुनने को मिलेगी, ना कोई मेरा ऐसा एग्रेशन मोड, बट मैं सिर्फ उसके ऊपर ही चल रहा हूँ। अरे यार मैं वो वीडियो मैं 2-3 बार देखा ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि अरे यार ऐसा कैसे मार सकता है यार। इवन अगर मैं भी हूं, अगर मैं कोई ऐसी मारने वाली वीडियो निकालूंगा अगर डालूंगा, आप लोग बोल सकते हैं अरे भाई कुछ भी गलती हो उस बंदे ने कोई भी गलती कही हो, बट मारने का हक क्या किसने दे दिया? अरे वो बच्चा सामने वो सॉरी बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे से गलती होगी, फोन तक पकड़ा दिया, फोन देख लो मेरा कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे, वो सब उसको दिखा रहा है वो, तो फिर भी उसको मार रहा है और गाली पे गाली दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि लोग बहुत देख रहे थे लाइव में, तो वो लोगों को दिखाना चाहता था हाँ भाई मैं हूं, बस मैं कुछ ना कुछ हूं। कैनेडा में क्या टाइम? कैनेडा में भाई 2:30 हो गए दोपहर के और बाहर बहुत ठंडी है, बर्फ पड़ी हुई है, तो अंदर बैठे हैं सब।
अगर उसकी लिफ्टिंग फॉर्म गलत होती तो क्या इतने मेडल ऐसे ही मिल जाते? हाँ भाई, अरे मेडल मिले, उसके फॉर्म भी उसके बहुत हैं जो सही हैं, बस जो वीडियो मैंने पिक की थी उसमें फॉर्म वो डेफिशिएट में लगा रहा था, कैलोरी डेडलिफ्ट डेफिशिएट में, तो उसमें उसकी बैक बहुत ज्यादा कर्व थी। मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली है उसमें, उसमें फिर से एक बार फॉर्म देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैंने उसको उसको मैंने हर एक वीडियो थोड़ी उसकी निकाल के डाली कि फॉर्म गलत है, इसको कुछ पता ही नहीं है। मैं सिर्फ उस एक पर्टिकुलर वीडियो ही थी उसमें फॉर्म बहुत गलत था तो वीडियो डाल दी। इवन वो वीडियो के अंदर उसकी प्रोफाइल में जाके कमेंट देखोगे आप लोग को खुद पता चल जाएगा, अरे हाँ यार सब लोग गाली दे रहे, सब लोग बोल रहे कि फॉर्म गलत है, फॉर्म गलत है, फॉर्म गलत है, बैग तोड़नी है। इसने कैप्शन लिखा है अभी तगड़े होने का, तगड़े होने होना तो ऐसा करो, ऐसा कुछ लिखा था उसने, बट वो तगड़े होने का नहीं, बैग तोड़ने का तरीका था जिस हिसाब से उसका फॉर्म था। भाई यार पर 3 बजे रहे हैं मॉर्निंग के। हाँ राइट, आपके वहां पे भाई 3 बज गए, यहाँ पे 2:30 बज गए दोपहर के, तो कोई बात नहीं, आप लोग सो नजारे लो। बट उसकी वीडियो में जाकर हर कोई जरूर कमेंट करना कि हाँ भाई इस बच्चे को तो मार रहा है, तो जो सुपर सिंह के साथ में पंगा स्टार्ट किया था उसको मार के बता, फिर हम लोग मानेंगे। तगड़े होने पर ध्यान दो यार, कॉन्ट्रोवर्सी छोड़ो। यस यस, तगड़े होने पर ध्यान दो, चेक दो काम गुरजियों से हैं। जरूर जरूर वीरे, सत श्री अकाल। तो चलो वीरो, मैं भी हुण जाना, तुम भी लो, राम राम भाजी, राम राम अभी शर्मा, तो मैं भी चलदा वा। बट तुम सारे सब लोग पता क्या करना, उसकी वीडियो में जाकर जो लड़के को मार रहा था या जो इसकी लाइव आया था ना लड़के के साथ में, अगर लड़ाई कार में जो लड़के को मारा है इसने, अगर वो वीडियो होगी उसकी प्रोफाइल में, तो उसकी प्रोफाइल में जाके जरूर मेंशन कर देना मेरा आईडी और बोल देना हाँ भाई इसको मार के बता, इससे क्यों अभी डर के बैठा हुआ है। मनजोत बाल, थैंक यू वीरे। बलजिंदर और भाजी की हाल चाल, और वैसे भी कॉन्ट्रोवर्सी कुछ नहीं मिलना। राइट भाई, कॉन्ट्रोवर्सी कुछ भी नहीं मिलना है, मेरी पूरी प्रोफाइल चेक करके देख लेना कि हाँ भी कितनी की मैंने कॉन्ट्रोवर्सी अभी तक की हुई है। ही डिलीटेड दोज वीडियो, आई थिंक हाँ कर दी होगी, क्योंकि उसको भी पता होगा ना कि हाँ भी गलत किया उसने। डोंट लीव दिस ओपन एंडेड फ्यूचर भाजी, जरूर जरूर जी, नहीं करेंगे उसकी वीडियो पे टैग, दो नहीं देंगे रीच, खुद कर ले। ये सिंगा का आ गया, कोई बात नहीं भाई। आज तक आपने कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं भाई, सिर्फ ये एक ही हुई है, और वो भी इसके साथ में इतनी लंबी खींचता भी नहीं था, सिर्फ एक ही वजह के साथ में, इसके साथ में अभी तक बोल रहा हूँ बार बार इसको कि अभी इसने जो मुझे धमकी दी है ना कि तू कनाडा तक तो मैं आ नहीं सकता हूं, बट तेरे जो चाहने वाले, जो तेरे मतलब प्यारे यहां पे, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, हम वहां तक पहुंचेंगे, ऐसी लैंग्वेज थी इसकी। तो मैं वही देखना चाहता हूं कि हाँ भाई ऐसा कौन सा बदमाश आ गया जो कि वहां पे मेरे घर तक पहुंच सकता है, कि हाँ भाई मुझे भी पता चले मैंने भी आज तक बहुत कमाया है, कि बॉम्बे में रहकर बहुत दोस्त कमाए हुए, एक मेरा वहां पे झुंड वखरा है, ओके मेरी वहां की लाइफ वखरी थी, यहां की लाइफ वखरी है। मैं भी देखना चाहता हूं कि एक बार पहुंचे तो सही वहां पे। फेक आईडी सिंगा, यस यस, फेक आईडी जेड़ा उत्ते डिया ही बोलन। और आपने हॉनेस्ट वीडियो डाली है, फॉलोइंग यू 2015, यू आर बेस्ट। थैंक यू फिट जट वीरे। बस यही है कि आज तक मैंने कोई ऐसा वीडियो डाला भी नहीं जहां से आपको लगे कि नहीं ये बंदे को फॉलो अनफॉलो कर दो, क्योंकि मैं नॉर्मल है, हर एक मेरी वर्कआउट की वीडियो रहती है स्टोरी पे, मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं उनकी वीडियो, फंक्शन बस यही चल रहा है, और कुछ मैं वीडियो ऐसी अपलोड करता भी नहीं। तो चलो वीरो, तुम्हें एक बार हम सब लोग जाके ना उसकी आईडी में जरूर कर देना कमेंट, टैग कर देना और बोलना कि इस बंदे से, सुपर सिंह से भी पंगा ले, वो क्यों अधूरा छोड़ के रखा हुआ है अभी तक आपने। ओके वीरो, बाय बाय, लव यू, सी यू, और खिंच के रखा काम करो। अगर ऐसा बंदा कोई भी अगर उठ के हर एक को मारना स्टार्ट करता है, गाली देना स्टार्ट करता है, एक आवाज उठाओ तुम। अरे बहुत एक पावर है आप सब में, बट एक सब जुट होके एक बार अटैक करोगे मेरे जैसा का, कोई भी हो अपने चुप बैठ जाएगा।